I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. If the shoe insert. जैसे ही आप घुसेंगे आपको लेफ्ट साइड में कवर्ड दिख जाएगा, ठीक है। कवर्ड में एक्स्ट्रा मैट्रेस एक्स्ट्रा ब्लैंकेट है, आपको नीड पड़ेगी तो आप इसको यूज कर सकते हैं। राइट साइड में वॉशरूम है, वॉशरूम का मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। ये मेरा लगेज, ये हमारा लगेज है, और ये देखिए ये खाली है। फिर ये थोड़ा सा काउच है, सिटिंग एरिया है जहाँ बैठ के थोड़ी बातें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। इंटरकॉम है, इंटरकॉम में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी इशू हो तो, ठीक है। ये आपका फिर एक बड़ा सा स्क्रीन टीवी, मैं लग रहा है 36 या 42 इंच का ये टीवी है, ठीक है। रिमोट, ये केतल, और बेसिक वही चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। मजे की बात है कि अभी जो ऑफिस बॉय आए थे ना, इनके जो ड्रॉप करने आए थे मेरे को रूम के पास, उन्होंने बोला कि ये अगर ख़त्म भी हो जाता है तो अपन लिमिटेड ले सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं है इसकी। ये प्लस पॉइंट है डस्टबिन रखने के लिए। ये एक सुंदर सा बेड, काफ़ी ब्यूटीफुल। और इंटीरियर तो देखिए यार, क्या कमाल का इंटीरियर है इस होटल का, गजब की वाइब आ रही है। मैं दिखाऊँ मैट्रेसेस, मैट्रेस भी काफ़ी कंफर्ट है, काफ़ी कंफर्ट है। चलिए इधर थोड़ा दिखाता हूँ। तो इधर आपको दो मिनरल वाटर बोतल 1/2 लीटर का, ये कम्प्लीमेंट्री है, एक ही मिलेगा, अगर इसके बाद लेंगे तो चार्जेबल होगा, आप आरओ वाटर ले सकते हैं। ये आपको गिलास है, इन्होंने अच्छे से ये रखा है, देखो कांच का गिलास है, वो यूज कर सकते हैं। ये क्या है, कुछ बेसिक चीज़ रखने के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट जो अट्रैक्टिव पार्ट है इस होटल का वो दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। ये व्हाट अ व्यू यार, ये कमाल का व्यू इस रूम से। ये बालकनी, ये बालकनी और बालकनी सब व्यू दिखाता हूँ आपको। क्या कमाल का व्यू है यार, इस व्यू का तो जितना भी आप दो कम है। तो चलिए मैं कवर करता हूँ। तो जैसे ही वॉशरूम घुसेंगे एक बेसिन मिलेगा, बेसिन का डिजाइन और बेसिन का लुक देखिए क्या तगड़ा लग रहा है। ये आपको बेसिन मिलेगा, बाकी फिर ये सॉप और मॉइस्चराइजर, फिर शैम्पू, ये सब चीज़ें हैं। फिर नल वगैरह भी सुपर क्वालिटी जगुआर का लगाया हुआ है। ये है आपका, फिर ये टॉवल है और गीजर है, इस पर सोलर सिस्टम से काम करता है इस पर, ठीक है। तो ये ठंडा गर्म के लिए जैसे साइन है वो दिया हुआ है, वो आप यूज कर सकते हैं। ये कौन सी कैटेगरी है? हनीमून स्वीट कैटेगरी। अच्छा, हनीमून स्वीट कैटेगरी। यहाँ कबर्ड मिल जाएंगे एज यूजुअल। ये केटल्स जो बेसिक एमिनिटीज है वो। अच्छा, 360 डिग्री व्यू है क्या है? देखो यार, बेड काफी सॉफ्ट है, काफी ये है। इंटीरियर अगर दिखना चाहे मैजिक दिखाते हैं, यहाँ से व्यू ही व्यू है इस रूम से। तो फर्स्ट नहीं हो रहा है, जैसे कर्टन को हटा, ये व्यू है। और ये तो एक साइड हुआ, आपको दूसरे साइड से भी व्यू दिखेगा। ये देखिए ये बालकोनी, बालकोनी में भी जब जाएंगे तो यहाँ से भी आपको कमाल का व्यू दिखेगा। बालकोनी भी काफी बड़ा है। जो सामने वाला रोहतांग वाला हिल जाएगा। अच्छा, ये रोहतांग हिल वाला, जो सामने वाला पहाड़ है।
ओके ये हमटा पास लगे उस साइड। अच्छा ये हमटा पास। हाँ इस साइड। ओके और ये। हाँ ये वाला इस साइड वाला ये कोने वाला ये हमटा पास। अच्छा इस साइड जो है ये हमटा पास है। ओके ये रूम। क्या मजा है यार, आप देखो व्यू के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, आप डिनर करो, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो विद व्यू। सर डिनर में तो व्यू नहीं दिखेगा। अच्छा इधर स्पेशली सेटअप, इधर अलग सेटअप, एक तरीके से टेरिस टाइप पे बनाया गया है, इसका सेटअप अलग है। मैं भी कोई हनीमून्स के लिए अगर कैंडल लाइट डिनर वगैरह प्लान करता हूँ तो उनका यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं। इट्स गुड यार। मैं आपको स्नो क्रीक के मैनेजर तेजिंदर सर हैं, जिनसे थोड़ा सा मिलवाता हूँ और प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा डिटेल हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कुछ बोलना चाहेंगे पहले? दर्शकों के लिए सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है स्नो क्रीक बाय इवोक होटल मनाली में। जैसे कि आप जानते ही हैं इस प्रॉपर्टी में 15 रूम है, इसमें से 9 आपके प्रीमियम रूम है और 6 आपके हनीमून स्वीट रूम है। ठीक है जी, सारे रूम विद बालकनी है, विद व्यू रहेंगे। ठीक है ना? सारे रूम विद बालकनी है, विद व्यू रहेंगे। ठीक है ना? और सेंट्रलाइज हीटिंग रहेंगे, ऐसा हीटर रूम में रहेगा, दिखा सकते हैं आप। सर तो सबसे पहले तो लोकेशन बताइए, मॉल रोड से कितना डिस्टेंस? मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर रहेगा सर ये एग्जैक्ट। हाँ जी हाँ जी। इसमें सर 2 कैटेगरी के रूम है, एक प्रीमियम रूम, एक हनीमून स्वीट रूम के कैटेगरी के। अच्छा, हाँ जी। प्राइसेस आप बता सकते हैं कि जो अगर कस्टमर बुक करना चाहे? यस सर, प्रीमियम रूम आपको 38 में मिलेगा, 2 पैक्स के लिए, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा इसमें ना। 38 में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेगा। यस सर। हाँ जी। बाकी जो आपके हनीमून स्वीट रूम रहेंगे वो 42 रहेंगे, 2 पैक्स के लिए, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहेंगे इसमें। हाँ जी हाँ जी। वेज और नॉन वेज बहुत ऑफर रहते हैं उसमें ना, उसमें सूप भी रहता है, वेज सूप भी रहता है और चिकन सूप भी रहता है, और एक चिकन में एक आइटम भी रहेगी, और चिकन में जो कॉमन आइटम डेली की रहेगी वो एग कड़ी रहेगी उसमें। बाकी वेज में जैसे पनीर मखनी रहेगी, जैसे नॉन वेज वेज की जैसे वेज वेजिटेबल में रहेंगे एक आइटम कुछ, बाकी दाल तड़का ऐसे कुछ रहेंगे, मिक्स रायता रहेगा। हाँ जी। तो जैसा आपने बोला एक कड़ी फिक्स है। हाँ जी हाँ जी, एक कड़ी नॉन वेज में मतलब फिक्स रहेगी, कॉमन आइटम रहेगी ना जो डेली की फिक्स रहेगी, बाकी एक आइटम चेंज रहेगी ना डेली में, मतलब चिकन में। अच्छा, ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़ा सा? ब्रेकफास्ट में जैसे पोहा वगैरह रहेगा और सैंडविच बटर जान स्लाइस रहेगा, बाकी कट फ्रूट वगैरह ये सब चीज़ें रहेगी उसमें ना, बाकी परांठा वगैरह का भी चेंज मेन्यू डेली का चेंज रहता है। उनका मैं टेरिस आपको दिखा रहा हूँ, टेरिस इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे छोटे फोटे अगर आप ग्रुप आते हैं 10-20 लोग का ग्रुप, तो यहाँ पे डीजे का भी एक सेटअप है, यू कैन जस्ट एंजॉय एंड चिल आउट यहाँ पे डीजे। और सबसे मजे की बात है ये जो इसका टेरिस है, देखिए इसका यहाँ पे बोनफायर का भी अरेंजमेंट है, कि बोनफायर भी करना चाहते हैं तो बोनफायर भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज द व्यू, देखिए यहाँ टेरिस से जो व्यू है काफी जबरदस्त। उस साइड आपको जो दिख रहा होगा ना, उस साइड वो रोहतांग पास है, इस साइड हमटा पास जो ट्रेक है वो है, तो एक व्यू काफी, देखिए यहाँ पे जो होटल्स वगैरह है ना ऊपर, इसके व्यू काफी ही अलग है, काफी जबरदस्त है।